नाज़रीन नाज़रीन और समईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अभी जो लेके हम जा रहे हैं जहाँ पे वो है न्यूयॉर्क, इसका डे टूर करेंगे, डे और टू डे टूर। और ये अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे ज़बरदस्त किस्म की स्टेट है न्यूयॉर्क। तो अभी हम इंशाल्लाह ट्रिप स्टार्ट करेंगे, फिर आपको मैं व्यू दिखाता हूँ सिटी के मुख्तलिफ, और कोशिश करेंगे हम किसी लोकेशन पे जाके उसका अंदर से भी करें जितना पॉसिबल हुआ। तो देखते हैं, ये जी न्यूयॉर्क का लाहौर, नहीं लाहौर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क का किसी भी मतलब लाहौर ही किसी भी आप नोटोरियस इलाके का नाम ले लें। ब्रिटिश पेट्रोलियम का नजर आ रहा है, बीपी अजीब गस्त आ रही है। मैं कासम की ड्राइविंग के रास्ते में आ गया था और से बहुत थोड़ी सी ब्रेक मारनी पड़ी है। ये लिंकन टनल जा रहा है रास्ता जिस पे हम जाना चाह रहे थे, बट मेरे ख्याल हम गलत हो गए। डाउनटाउन न्यूयॉर्क, ये जी ये वाला अमेरिका भी आप देख लें थोड़ा सा। यहाँ अमेरिका में ज्यादातर टनल्स हैं, ब्रिज भी हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में ये मशीन नजर आती है। जो ये बेसिकली शामिल बड़ा मजा कर रही है, इसलिए होती है कि जो आपको नीचे पर्पल कर रहा है इसकी लाइन नजर आ रही है, यहाँ से आप फास्ट चेक इन कर सकते हैं किसी रोड पे जो जिस पे आपको ट्रैफिक कम मिले। तो मैं अक्सर सोचा था ये मशीन किस लिए होती है इंपोर्ट गाड़ियों में, इसका भी आज बिल्कुल अच्छा चेक है कि क्यों होती है। मैनहट्टन के जो एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लें जी। हम इस इजी पास को यूज़ करते हुए यहाँ से गुजरेंगे लिंकन टनल में, ये हम समुंदर के नीचे से जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी में। ये टनल स्टार्ट हो चुकी है अटलांटिक ओशन के नीचे से हम गुजर रहे हैं मेरे ख्याल है। और ये अमेरिका में ड्राइविंग भी अजीब, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था घर स्टेट का डिफरेंट है, ऐसे ही यहाँ पे ड्राइविंग का भी इशू है कि आप जैसे अभी न्यूयॉर्क में बहुत रफ ड्राइविंग होती है, लोग किसी की परवाह नहीं करते और आपको खुद को बचाना पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान में हम सुनते हैं कि जी समझे सब अंधे हैं और आप ठीक चला रहे हैं, तो ऐसे ही बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ड्राइविंग के एथिक्स हैं। तो इससे पहले जो ड्राइविंग थी बड़ा मज़ा आ रहा है इसका, अभी की जो ड्राइविंग है ये थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा मांगती है। बहरहाल अभी टनल में देखने का कुछ है नहीं है, आपको मैं क्या दिखाऊँ आगे जाते हैं। ये जी एक टनल पास करने के $15, फिर कहते हैं पाकिस्तान में गए। टाइम्स स्क्वायर स्क्वायर के जो भी कहते हैं इसको न्यूयॉर्क सिटी। बिल्कुल वो सामने जो न्यू ईयर पे बॉल फेंकते नहीं चाहिए, कसम बता रहा है कि वो सामने है। अच्छा ये न्यूयॉर्क आके तो मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है, रोड जो है ना देख के आगे और बाकी भी ज़रा इतना साफ नहीं है अमेरिका कि बाकी स्टेट्स की तरह तंग तंग गलियाँ और कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग्स। सामने पुलिस वाला बेचारा सिग्नल के बावजूद खड़ा हुआ है, लोगों को इशारों से घुमा रहे हैं। अभी जी कोई कुछ हो रहा है अपनी, क्या अभी ये एक्टिविटी है इम्पाउंड करप्शन। अच्छा ये करप्शन के खिलाफ है जी, नौशी साहब आपने देखिएगा यहाँ पे स्पेनिश करप्शन, इसलिए पूरा रोड जी मैडम तो साउ म्यूजियम और ये ब्रॉडवे का सारा ये एरिया, यहाँ पे ज़्यादा मल्टीमीडिया लोग हैं। और अभी हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट है हिलाल गाय, हलाल गाय ये कितने का है ये बंदा
ये किधर क्या हलाल गाय, ये क्या कोई अरब आदमी है जिसने कार्ट फूड स्टार्ट किया था यहाँ पे और बड़ा मशहूर है, उसकी सब ब्रांचेस हैं पूरे अमेरिका में। अच्छा फूड है वहाँ पे, हलाल गाय, द हलाल गाय। ये आज प्रोटेस्ट ने बहुत काम ख़राब किया हुआ है, क्योंकि हमने जाना था हलाल गाय, अब हम घूम फिर के तकरीबन वापस उसी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह से रोड बंद किया हुआ उन्होंने। बहरहाल आप लोग तो देखें, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जी। अलादीन का चिराग, कोई मैजिकल शो है वो, पता नहीं, ब्रॉडवे म्यूजिकल स्टेज ड्रामा टाइप। एल्डोर का स्टोर। ये जी रुके हम इसलिए क्योंकि ये गाड़ी सामने देखी है, टैक्सी, उस पर नंबर है कासम वन। तो ये पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, फोटो को तो कर सकते हैं। ये इसे मैनेज किया हुआ है कि सेक्शंस हैं, जैसे कि अभी हम सीधे जा रहे हैं, ये एवेन्यू है और इसके जो क्रॉस सेक्शन में आता है वो स्ट्रीट आती है। टोटल तकरीबन 10 एवेन्यू और 100 स्ट्रीट्स हैं, तो यहाँ पे किसी को ढूंढना या किसी जगह पहुँचना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको अगर आपका सेक्शन पता हो और एवेन्यू पता हो तो। बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, लोग ही लोग, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। शेरटन होटल है सामने और फिर पुलिस वालों ने रास्ता बंद किया हुआ है, लगता है ये हमें आज हलाल गाय नहीं जाने देंगे। ये कुछ साजिश लगती है, शायद कोई हराम गाय जाना पड़ेगा हमें। ये जी यहाँ पे तो काफ़ी दफ़ा हरन कासिम बजाज का गाड़ी के, और इस सीएस सीधे जा रहे हैं सामने सेंट्रल पार्क को जाएगा, और हम जहाँ पे हलाल गाय को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सुना है वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी भी है। जर्सी कदे ना मर्सी, ये सामने वीड वर्ल्ड है और ये चरस कोटेड कैंडीज बेच रहे हैं, और यहाँ पे कुछ स्टेट्स में चरस पीना अलाउड है, आप पी सकते हैं, बल्कि मेडिसिन के तौर पर यूज़ होती है चरस। तो वो है जी वीड वर्ल्ड कैंडीज, किसी ने लेनी हो तो वो ले सकता है। ओवर 1 मिलियन स्टोन्ड, 450 ऊपर है, पाकिस्तान में गवारी है, निगरी है, ऊपर टी एन एस जी। बाहर हाथ निकाल के रास्ता मांगना भी एक्सपीरियंस हो रहा है। ये जी हलाल गाय ने हमें बहुत जरील ख्वार किया है, इतने देर बाद 2-3 घंटे शायद हो गए हैं, और अब जाके हम उसके पास पहुँचे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती। और ये आपके सामने अभी जो S550 मर्सिडीज जा रही है, ये ऊबर ब्लैक है, तो ऊबर पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनसे सबक ले के हमें ऐसी गाड़ियाँ पाकिस्तान में 20 डॉलर की राइड हमने चेक की अभी, कि 2 या 3 एवेन्यू छोड़ के जाना हो तो कितने की बनती है, तो तकरीबन को 21 डॉलर की बनी थी। ये एक्टिविटी है जिस वजह से हम लोग हिलाल गाय ढूंढने के लिए फार हुए हैं काफ़ी देर, रेडियो सिटी के बिल्कुल सामने। तो हिलाल गाइस ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए हैं, अमेरिका में आके भी हम गोश्तखोरी छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे रेडियो के खाने का बड़ा रिवाज है, और यहाँ पे मोस्टली रेडी जो है वो सारी तकरीबन हलाल फूड से ही होती है। तो अब हम खाना खाएंगे बड़ी एफर्ट के बाद, फिर मिलते हैं उसके बाद। ये हलाल गाय इसका फूड, चलें हम खाते हैं अभी। न्यूयॉर्क स्टेट की सेनेटर के लिए इलेक्शन है किसी औरत की, और उसकी कंपेन हो रही है। न्यूयॉर्क के बारोनक शहर को छोड़ के हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और सामने आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग, द यूएन बिल्डिंग। सो चलते हैं, देखते हैं उस तरफ क्या है। वो आपको अपने इस बिल्डिंग के पीछे ब्रुकलिन ब्रिज नजर आएगा, जो कि बहुत मशहूर है, इसका व्यू यहाँ से मजा का नहीं आ रहा, आपको दिखाते हैं अभी। ये न्यूयॉर्क को अगर सिटी ऑफ ब्रिजेस कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतने कोई
ब्रिज वगैरह है क्या? ट्रेड सेंटर गिरा था, उसकी जगह ये बिल्डिंग बनाई हुई है, वर्ल्ड ट्रेड पेस बिल्डिंग, पेस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ ऊपर, लेकिन फ्रीडम टावर के नाम से है ये। ये मिड टाउन है ये एरिया न्यूयॉर्क का, सॉरी डाउन टाउन, जिस वक्त हम जिस भी हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं। वेलकम टू चाइनाटाउन। हम रात यहाँ गुजारने वाले हैं इस टाउन में। अमेरिकन चाइनीज हैं और इन्होंने यहाँ अमेरिका को भी, इन्होंने यहाँ भी इसको चाइना ही बनाया हुआ है। ये है जी ब्रुकलिन ब्रिज, काफी ट्रैफिक भरी पड़ी है। फिर लंबी वीडियो हो चुकी है न्यूयॉर्क की, अब हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे मज़ीद न्यूयॉर्क। सो सब्सक्राइब कीजिए और टिल देन अल्लाह हाफिज़।